तो ये जो बोलते थे ना ये पैदा होगा इनके, या ये आने वाला है घर में, वो ही होता है। अपनी बारी पे इनकी टाइट टाइट फिश हो गई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और हम लोग सो के उठ गए हैं अभी, और अभी उठते में क्या देख रहा हूँ, निष्ठा की मम्मी पौधे वाले को रोक रखा है नीचे और उससे पौधे मंगवा रही है ऊपर। सफेद वाला ये सदाबहार भी ले आना। ये कितने का है? अरे जोड़ा भैया छोड़ो, ये तो बहुत छोटा है। ऊपर बुला लो ना उनको, ऊपर बुला के करवा लो जो भी करना है। क्यों गाइस, निष्ठा की मॉम तो नीचे जा नहीं सकती है, वो पौधे वाले भैया को ही ऊपर बुला लेते हैं अपना, आके वो यहीं पे पौधे में लगा जाएंगे, दो चार पौधे मंगवा लेते हैं ऊपर ही। अब फिलहाल उठे और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:15 हो रहे हैं और मैं 9 बजे उठ गया था। और इनकी काम वाली जो दीदी है वो करके चली गई है, सारा काम वाम सब कुछ वो करके चले गई है, झाड़ू पोछा। और मैं अभी उठा हूँ सब कुछ होने के बाद, और तब तक निष्ठा की मॉम पौधे वगैरह ले रही है यहाँ पे। अरे पौधे रेट देख रहे हो ना आप, क्या हुआ? ये 500 रुपए के पाम ट्री हैं। चला गया क्या वो खड़ा? उसके पास तो रेड रोजेस भी है, सब है उसके पास, रेड रोजेस, सदाबहार, पिंक रोजेस। ले रही थी मम्मा, कह रही क्या आप कम नहीं कर रहे, तो मैंने ले ली। यही तो होता है मनाने का तरीका, फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा ले लो कम कर रहा हूं। गाइस एक्चुअली कल हमें नर्सरी से लेने थे पौधे, कल हम जब जा रहे थे पीटीएम में और इंजेक्शन लगाने, तो हम निश्चय के मैम ने मेरे को बोला था रास्ते में नर्सरी जाती हैं बहुत सारी, तो निश्चय के मैम ने मेरे को बोला था कि वापस आते हुए हम नर्सरी पे रोक लेना, हम ले लेंगे। लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई, मैं वापस उस वाले रास्ते से आया ही नहीं, मैं दूसरे रास्ते से आ गया। और फिर जब मैं पहुंचा यहाँ पे आसपास, और निष्ठा की मैम और निष्ठा बीच में सो भी गए थे आधी थोड़ी देर के लिए, तो उसी टाइम मैंने दूसरा रास्ता ले लिया और मैं पहुंच गया। तो सही कह रही है। तो फिर गाइज हम, मैं दूसरा रास्ता लेके आ गया, तो इसीलिए फिर पौधे ले नहीं पाए। फिर निष्ठा की मम्मी मेरे को बोल रही है आपने दूसरा रास्ता ले लिया, मेरे को पौधे लेने। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, जो यहाँ पे आता है उसी से ले लो, 2-4 रुपए महंगे देगा कोई बात नहीं। 2-4 कितने महंगे दे रहा पता है आपको? 3-4 पौधे आ जाए। हाँ फिर क्या बोला आपने उसको? सदाबहार 20-20 रुपए के सदाबहार मिलते हैं, और सफेद वाले ले लो 10 रुपए फालतू ले लेगा, 20-20 रुपए का सदा, 60 रुपए का सदा पार। तो क्या बोला फिर आपने उसे? 200 वो चुन्ना सा पाम ट्री, 60 एक बोल रहा, 200 सा 250 रुपए का जोड़ा है, नहीं 500 रुपए का जोड़ा है। तो फिर मैंने की कम लग करो, 260 लगा लूंगा एक। अनपढ़ समझ तो भग लिया, अनपढ़ समझ रखा बड़ा महंगा दे रहा है ये। तो गाइस फिर निष्ठा की मम्मी ने नहीं लिए पौधे अभी, अब देखेंगे आप कहीं और से लाएंगे, नहीं तो सस्ता देगा। तो अभी ये इसकी बिक्री नहीं होगी ना, अभी थोड़ी देर में आके अपने आप आवाज लगाएगा, थोड़ी देर में आके गाइस अपने आप आवाज लगाएगा कि ये ले लो पौधे ले लो। ये मिक्सी में नहीं, इसमें बना रही है मैंगो शेक, क्योंकि मिक्सी में क्या होता है ना यार, पूरा तामझाम हो जाता है। देखो यहाँ पे रखी है, फिर उसको निकालो, फिर उसके सारे बर्तन निकालो, फिर उसको धो, फिर वापस से उसमें बनाओ, फिर वापस से धो, फिर उसे रखो, तो थोड़ा पूरा तामझाम हो जाता है। तो इसलिए क्या कर रही है निष्ठा की मॉम, क्या करती है आजकल, इसमें बना लेती है अपना ये छोटा सा बर्तन है, इसी में ऐसे ऐसे खींच के सारे आम पिस जाते हैं, उसमें दूध डाल दो पूरा मिक्स हो जाता है, चीनी डाल दो पूरा मिक्स हो जाता है, उसके बाद छोटे से बर्तन को धो दो। तो गाइस अभी निष्ठा ने सुबह सुबह यहाँ पे कुछ कांड किया है, बता रहे हो आप ही या मैं बताऊँ? मम्मा को परेशान करते रहते हो पूरे दिन आप। उसी को तो साफ कर रही थी मैं, जितने दिन ना देऊ नीचे से झाग निकल रहे, शैम्पू आ रहे फटे हुए, झाग निकल रहे यार, इसने फाड़ फोड़ के गैस के नीचे छुपा दिया शैम्पू। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो शैम्पू के पाउच यहाँ पे रखे थे हमने निष्ठा की मॉम ने, ये रे पाउच है ना, ये नहीं फटे, ये सब होता है, वो गैस के नीचे से निकले हैं सारे फटे, उनके हाथ में लगाना सारे सने पड़े हैं वो, ये हाँ। निष्ठा क्या करती है गाइस, जैसे यहाँ पे आती है किचन में आती है खड़े खड़े, तो इसको कुछ ना कुछ करने की, और इसने पता हाथ इसके चलते रहते हैं, अंदर छुपा दिया यहाँ से, फाड़ के यहाँ छुपा दिए, मम्मा ने रख दिए बोरे यहाँ पे खिड़की के यहाँ पे। क्यों करते हो आप ऐसे मम्मा के लिए काम, क्यों बढ़ाते हो? चक्कर आ गए खड़े खड़े साफ कर करके। बैठो चल के बैठो, शैम्पू स्लैब पे फैल गया ना, बैठो चल के बैठो, मानती नहीं है लड़की, क्या करें बताओ। फिर देखो यहाँ पे लग गई अभी, अब यहाँ क्या हो रहा है? टीशा आपसे एक जगह बैठा नहीं जाता क्या? हैं एक जगह बैठा नहीं जाता क्या आपसे? अरे तो
खेलना है खेल ले अपनी चीजों से, अब उसको सही तरीके से रखो अपने, ना तो इसको रूम ही नहीं देंगे, ये इसका रूम ही नहीं है। ले लो अब रूम। ये देखो गाइस, निष्ठा ने मुझे यहाँ पे बंद कर रखा है बालकनी में बहुत देर से। अभी मैंने कोशिश भी करी थी अंदर जाने की लेकिन ये आने नहीं दे रही है। खोल दो यार, खोल दो। ये देखो, रुक जाओ, आ रही हूँ मैं। बंद कर रखा है इसने मेरे को बालकनी में। रुक जाओ, आ रही हूँ। आने दो ना। ये देखो गाइस, बालकनी में बंद कर रखा है इसने मेरे को, और यहाँ पे अभी धूप हो रही है इतनी तेज। कैसे कैसे खड़े हैं यार हम, खुलवा दो कोई गेट, खुलवा दो कोई। चलो ठीक है, मैं आ ही नहीं रहा, ठीक है आ ही नहीं रहा मैं। जाओ बैठ जाओ, आप बिस्तर में चले जाओ, जाओ जाओ। चलो गाइस, थोड़ी देर बालकनी में ही बैठते हैं क्योंकि अंदर तो जाने दे नहीं रही है। बालकनी में बैठते हैं, बालकनी में ही बैठ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। ये देखो, आऊं मैं? बताओ, आपको नहीं आया क्या? क्या है इसने बंद किस रीजन से करा है, तो आप वो कम वो मत करो ना। ये आपको ही बंद कर देगी। तू उधर जाओ ना, डैडी घुसना मेरे को कपड़े सुखाने बेटा। ठीक है, सुखा ले सुखा ले, ठीक है। नहीं घुस रहा, बंद तो मत करो एटलीस्ट। गाइस, ये ना थोड़े दिन पहले ना ये 6 सेंट का ढूंढ रहा पीटने गाइस, मैं बताती हूँ बात यह, ये ना दूसरों के टाइम पे ना, दूसरों का कोई प्रेग्नेंट होगा घर में होगा आसपास होगा ना, तो ये 6 सेंट इनकी भी जग जाती थी, तो ये जो बोलते थे ना ये पैदा होगा इनके, या ये आने वाला नहीं घर में, वो ही होता है। अपनी बारी पे इनकी टाइट फिस हो गई। अपनी बारी पे 10 बार 6 सेंस आ गई इनको, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है। नहीं, अपनी बारी पे 10 बार नहीं आई आती। 10 बार क्यों, 50 बार आई होगी। 10 बार तो मैं कम ही बोल रही हूँ, हवा अच्छी चलती है ना। आने दो भाई, क्यों यार गाइस, ये अंदर नहीं घुसने दे रही यार मेरे को, नाराज है निष्ठा मेरे से, इसलिए नहीं घुसने दे रही। गाइस देखो, मैं आ चुका हूँ अंदर, और थैंक यू सो मच निष्ठा, आपने मुझे अंदर आने दिया, थैंक यू सो मच। मैं तो ये सोचती थी कि अब आपके पैर दर्द हो रहे होंगे, मैंने दया खा ली, इसलिए मैं तो ये सोची थी 1 घंटा और खड़ा रखने देती हूँ, 1 घंटा और खड़ा रखने देती हूँ, लेकिन फिर मैंने आप पे दया कर ली और मैंने दरवाजा ही खोल दिया, तभी तो बोल रहा हूँ थैंक यू। वेलकम। से तो गाइस, लंच वगैरह अपना हो चुका है, हम लोगों ने खा लिया खाना, और अभी जस्ट लंच करने के बाद अभी निष्ठा की माँ बोल रही है कि हम, आपको याद होगा हम फोटोज लेके आए थे, बनवाई थी हमने फोटोज, एक निष्ठा और निष्ठा की थी उसमें एक कोलाज, और एक निष्ठा की मॉम और मेरी फोटो थी, तो हम सोच रहे हैं कि आज एक फोटो यहाँ पे लगाई देते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ निष्ठा की मॉम को कि वॉलपेपर पे ना लगाओ फिलहाल, यहाँ पे कहीं पे लगा लेते हैं, इधर लगा देते हैं। वो देखो सील रही है, वो अभी तक तो दीवार सील रही है, वो पूरा वॉलपेपर हट रहा है, देखो इधर वाली लाइन हट रही है, इधर से हट रहा है, इधर से हट रहा है, इधर पूरा जितने भी, जब तक बन नहीं जाता ना तब तक सील ही रहेगा, वो बन जाए कोई आ जाए बसापक तो बात अलग है, बनने के बाद तो घर कोई सीलर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तो कहाँ लगाओगे फिर? यहाँ लगा देते हैं, यहाँ की लगा दो, बाद में जब यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बसने लग जाएंगे लोग, तब वहाँ कुछ और लगा देंगे, यहाँ से कुछ और लगा देंगे। हाँ ठीक है, तो गाइस अभी लग चुकी है हमारी फोटो, और हमारी नहीं आपकी फोटो, तो गाइस अभी लग चुकी है मेरी फोटो, और फोटो लगने के साथ साथ मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। डैडी नीचे का थोड़ा व्यू ले लो, हाइट लंबी हो गई टीशा की, देखो। तो गाइस ये हमने यहाँ पे लगा दी है फोटो निष्ठा की,
अब वो रह गया जो हम अपने लाए थे, वो वाली फोटो रह गई है निष्ठा की मामा और मेरी। अब उसको देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे, जो भी है देखते हैं कुछ डिसाइड करेंगे। ये रही गाइस फोटो मैं ले आया हूँ, अब लगा देते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी वॉलपेपर। तो गाइस ये रही यहाँ पे भी हमने ये वाली फोटो भी लगा दी है, और उस रूम में वो वाली फोटो लगा दी है, यहाँ पे ये वाली फोटो लगा दी है। तो अब फोटोज वाला काम डन डन, क्योंकि निष्ठा की मम्मी मेरे पीछे पड़ रही थी, इतने दिनों भाई फोटोज ला रखे हैं, रखी है, कब लगाओगे। तो आज फाइनली इनका नंबर आ ही गया और हमने ये वाली लगा दी, वो वाली लगा दी, दोनों फोटोज लग चुकी हैं। गाइस ये देखो, हमें लग रहा था ना बारिश नहीं आएगी, लेकिन नहीं, वी वर रॉन्ग, मौसम पूरा बन चुका है बारिश का, तगड़ा वाला निकल गया, गया। क्या हो जाता है दोनों को, तुम दोनों को क्या लगता है निष्ठा, बारिश आएगी? लगता है बारिश आएगी, क्या आ रही है, क्या लगता है बारिश आएगी, और पड़ पड़ नहीं हो रही? हाँ, बोलते ही स्टार्ट हो गई यार, बोलते ही स्टार्ट। तो गाइस चलो, बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और ठीक है हमने अच्छा आइसक्रीम टाइम पे मंगा ली, तो अभी हम तो आइसक्रीम खाएंगे आराम से बारिश में खड़े हो गए। ये देखो बालकनी गंदी हो जाती है ना यार, कौन साफ करेगा। ये लो गाइस आ गई बारिश फुल स्पीड में, टेढ़ी बारिश आ रही है, लेकिन ठीक है यहाँ नहीं है, इस तरफ नहीं है ना, ऐसे टेढ़ी है इस, ये वाली अंदर नहीं आएगी है ना, ऐसी वाली बारिश अंदर नहीं आएगी ना, कोई नहीं। चलो गाइस मजा लेते हैं बारिश का जब तक अंदर बारिश नहीं आ रही, वैसे तो ये शेड है लेकिन ये भी कितना बचाएगा, तो फिर भी बैठते हैं जब तक बारिश अंदर यहाँ तक नहीं आती, तब तक हम खड़े होके मजे लेते हैं। ऊपर तो गोला बनाया, प्रॉपर ही चाहिए हर चीज, बाहर चलो फिर खानी है तो बाहर खिला के लाता हूँ आइसक्रीम, घर पे तो ऐसी मिलेगी। डॉक्टर तक लगाम हो रही है ना, वही पर कैसी है, भैया सही है। चलो गाइस अब देते हैं निष्ठा की मॉम को, अब सही है गोला गोला मेरा भी कोई गोला नहीं है, भूल गई छत। ओके कैसी है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे निष्ठा तो सो चुकी है, डिनर वगैरह अपना हो गया है, और ये आज ऐसे सो गई, तो इसको अभी हमने डिस्टर्ब नहीं किया कि अभी जब हम फाइनली सोएंगे तभी इसको यहाँ से हटाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बालकनी में जो नींबू का पेड़ है ना हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर हमने लगा रखा है, वहाँ पर एक कबूतर अटक गया, तो अभी मैं जाके देख के आया, वो शायद कांटों वाटों में उसका पैर अटक गया होगा, तो वही मैंने अभी निष्ठा की माम को बताया, तो अभी देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा गाइस देखो कबूतर जो इसमें अटक गया, ये रहा देखो, ये अभी उड़ने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा, इसके आई थिंक यार पैर वैर अटक गए हैं, इसके पैर अटक गए हैं, कैसे हटाओगे इसको, इसको क्या हो रहा था तुम्हें रात को, लेकिन उड़ तो गया बस कम से कम।